एवरेज दे रही थी 10-11 की, ठीक है, तो अभी हम चेक करके आए हैं 16 प्लस की उसने एवरेज दी है पर लीटर माशाल्लाह। हाँ जी, पर लीटर जो है। और गाड़ी इंजेक्टर के बाद अक्सर लोग कहते हैं गाड़ी भारी हो जाती नहीं, है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी मैं समझता हूँ पहले से अब मुझे लाइट फील, लाइट फील दो, मैं समझता था मेरे इंजेक्टर बड़े अच्छे पहले के लगे हैं, लेकिन ये इंजेक्टर लगने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, गाड़ी आ गई। गाड़ी आपकी है कौन सी? जी 98 VTI होंडा सिविक है। तो मैं समझता हूँ कि ऑटो के लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज है। तो आपको तरीक़ेकार पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये एक लीटर पूरा करें सर, ये भाई अपने हाथ से एक लीटर पूरा कर रहे हैं और देखते हैं इसमें हमने इंजेक्टर अल्टरेशन किए हैं कि ये एक लीटर पे हमें क्या फीडबैक देती है। सिविक है 98, बस ठीक है, ये एक लीटर पूरा हो गया। ये ऑटोमेटिक है और मीटर ज़ीरो कर, ये मीटर ज़ीरो कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमें एक लीटर में कितने किलोमीटर देती है। हमने फ्यूल इंजेक्टर्स में अल्टरेशन किए हैं और ट्राई की वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, काफ़ी लंबी बन जाती है, और ट्राई लेते हैं जहाँ ये पेट्रोल एक लीटर ख़त्म होगा वहाँ पे दोबारा वीडियो बनाएंगे। दोस्तों सिविक 98 ऑटोमेटिक में हमने जो पेट्रोल डाला था वो ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हैं कि 16 की एवरेज इसने दी है। अगर हम एक जगह रुक गए थे पेट्रोल डलवाने, अगर हम वहाँ ना रुकते तो ये हमें 16.5 के लगभग एवरेज देती। तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें हमने फिर इंजेक्टर अल्टरेशन किए, डिटेल दुकान पे जाके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये भाई कहाँ से आए थे और इनकी गाड़ी का क्या काम किया भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, कहाँ से आए थे आप? भाई मेरा वैसे तो ताल्लुक कराची से है, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए हैं और आपके बारे में मैंने सुना था, ठीक है, तो आपके पास आए हैं यहाँ पर, आपसे काम हमने करवाया है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह आपने चेंज करके दिए हैं, ठीक है। तो अब ये कि आपके काम करने से पहले गाड़ी मुझे एवरेज दे रही थी 10-11 की, ठीक है, तो अभी हम चेक करके आए हैं 16 प्लस की उसने एवरेज दी है, ठीक है, पर लीटर माशाल्लाह। हाँ जी, पर लीटर जो है। और गाड़ी इंजेक्टर के बाद अक्सर लोग कहते हैं गाड़ी भारी हो जाती नहीं, है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी मैं समझता हूँ पहले से अब मुझे लाइट फील, लाइट फील दो, मैं समझता था मेरे इंजेक्टर बड़े अच्छे पहले के लगे हैं, लेकिन ये इंजेक्टर लगने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, गाड़ी आ गई। गाड़ी आपकी है कौन सी? जी 98 VTI होंडा सिविक है। तो मैं समझता हूँ कि ऑटो के लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज है। तो आपको तरीक़ेकार भी ठीक लगा, मतलब हमारा तरीक़ेकार जो काम का है, मतलब कोई खिचड़ी नहीं करते, एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं खोलते। नहीं जी, हमें बिफोर हैंड आपने बताया तमाम चीज़ें, और एक एक चीज़ पहले ही हमें पता थी, आपने लेबर पहले से तय कर ली थी, तो हर चीज़ हमें पहले से पता थी, और जो भी किया है काम हमारे सामने किया है, कोई बाकी चुकी बात तो है नहीं, ऐसा ही है, हम सेटिस्फाइड हैं, मुतमिन है आप TM ऑटो से सर? हम बिल्कुल मुतमिन है, और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो दोस्त फ्यूल एवरेज की वजह से परेशान है वो लाजमी आए, आके एक बार विजिट ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसी तरह से तसल्ली होगी। इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये भाई आए थे और माशाल्लाह इनकी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। देखिए मैं फिर यही कहूँगा कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें रमज़ान का महीना देखना नसीब हुआ है, तो रोज़े भी हैं। देखिए अगर हम रोज़ों में अगर अपने आप को नमाज रोज़े की तरफ लगा सकते हैं तो आम दिनों में भी नमाज हम पे फ़र्ज़ है, सिर्फ रोज़ों में नहीं। तो नमाज़ बिल्कुल कायम करें और काम सबसे पहले कोशिश ये करें कि अपने काम में ईमानदारी इख्तियार करें, अल्लाह ताला बरकत देगा। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने काम काज में ईमानदारी इख्तियार करें, कस्टमर को बेहतर से बेहतर गाइड करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करेगा और अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।